तो गाइज मैं दिखाता हूँ मैं सोता कैसा हूँ। देखो ये तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है रोहन ठाकुर। तो आज के ब्लॉग में से स्टार्ट करते हैं सीधा ऑटो से, क्योंकि बस में तो अब मैं जा नहीं सकता। वो प्रोटेस्ट चल रहा था बसों का कुछ दिनों से, फिर मैं चला गया कॉलेज। कॉलेज में भी आज मैं फीस ही जमा करने गया, क्योंकि फोर्थ ईयर की मतलब मेरी लास्ट ईयर की फ़ीस जमा होनी थी, तो वो फीस जमा करवाने गया आज। तो आज मैंने देखा कि कॉलेज में कुछ हो रहा था, मतलब कोई आया हुआ था। फिर पता चला मतलब कोई कमिश्नर आए हुए थे, जो बच्चों को वो देके गए थे फ़ोन्स, सरकार की तरफ से आए थे वो फ़ोन्स। तो हमारे कॉलेज में पुराने बच्चों को जो चले गए हैं उनको दिया गया था फ़ोन्स। तो फिर ये रहे वो आपके सामने, हमारे प्रिंसिपल माननीय प्रिंसिपल सर और उनके साथ ये रहे कमिश्नर सर। तो यहाँ पर दिया था बच्चों को फ़ोन, फिर मैं चला गया यहाँ से सीधा जिम। कॉलेज आने के बाद सोने के बाद मैं चला गया था फिर सीधा जिम। जिम में मैंने करी आज बाइक की और शोल्डर की एक्सरसाइज। घर पर आकर मैंने खाई फिर आलू रोटी। फिर मैं देखने लगा टीवी, टीवी में देखा मैंने सिया के राम, तो वो भी अच्छे चल रहे थे। तो गाइस मैं दिखाता हूँ मैं सोता कैसा हूँ। देखो ये गद्दा ले लिया, गद्दे पर मतलब खाट पर मैंने वो बिछा दी चादर, फिर कंबल लगा दिया नीचे, कंबल के नीचे एक और कंबल, फिर ये रहा पिलो, ये रही मेरी गद्दा जिस पर मुझे लेट के सोना। तो मैं बाबा के पास सोता हूँ यहाँ, ये रहे बाबा जी हमारे, यहाँ पर सोता हूँ इनके पास। पहले सोता था यहाँ इस पर, तो अब मतलब यहाँ पर ठंड लगने लगी तो अब ये खाट ले ली, खाट पर सोता हूँ ऐसे। तो ये रहा मेरा सब चीज़। तो गुड नाइट, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।